अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है मेरी बुआ है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है सब कुछ सीखने को ब्यूटी के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा नोस्ट्रिप हम कैसे अप्लाई करते हैं और ये ब्लैकहेड्स क्यों होते हैं और नोस्ट्रिप से कैसे रिमूव होंगे, हमने कैसे इसको अप्लाई करना, कैसे रिमूव करना और बाद में जो ब्लैकहेड्स है वो दोबारा ना हो। तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ब्लैकहेड्स होते क्यों हैं। तो अगर आपने ये फुल वीडियो आपको मेरी अच्छी लगेगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी करोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपलोड करता जाऊंगा। नंबर वन ये कि ब्लैकहेड्स इस वजह से होते हैं खासकर लड़कियों को कि ये लोकल मेकअप यूज़ करते हैं जिससे ब्लैकहेड्स होना शुरू हो जाते हैं ओवरऑल स्किन पे। लोकल मेकअप की वजह से या वो कंटूरिंग करते हैं नोज पे, उसकी वजह से काफ़ी ब्लैकहेड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सी नोस्ट्रिप, किसी भी कंपनी की आपको नोस्ट्रिप मिल सकती है, लेकिन इसको घर में यूज़ कैसे करना, अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको दोबारा ब्लैकहेड्स ना हो। कुछ लोग यूज़ करते हैं लेकिन दोबारा उनको ब्लैकहेड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्लिंजिंग नोस्ट्रिप चाहिए और आपको चाहिए टिशू। तो मेरी बॉय का फेशियल भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन हम इसमें से क्लिंजिंग यूज़ करेंगे, फेस क्लिंजर नोज के ऊपर। अगर आपको ये मेरी बॉय का फेशियल चाहिए तो आप ये वीडियो फुल देखो और इसका लिंक ये वीडियो मुझे भेजो, आपको 50% ऑफ पे ये फुल फेशियल डिलीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लिंजिंग लेंगे, ये मैं वैसे ही नोज पे नेक करने के लिए नोज टिप लगाने का तरीका बताने के लिए कर दूँ, तो आप फुल फेस पे भी कर सकते हो। पहले हम एलोवेरा से नोज नीट करेंगे और इसके ऊपर क्लिंजिंग करेंगे। आपने 5 से जितना आपको टाइम लगे, मतलब 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना आप टाइम दे सकते हो अच्छे से क्लिंजिंग करनी है। अगर आप फुल फेशियल भी करना चाह रहे हो, जैसे कि क्लिंजिंग करने के बाद आप पॉलिश लगाओ, पॉलिश लगाने के बाद आप मसाज क्रीम लगाओ, मसाज क्रीम करने के बाद आप स्क्रबिंग करो, स्क्रब करने के बाद आपने नोस्ट्रिप लगा दी, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास बस क्लिंजिंग ही है या एलोवेरा जेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लैकहेड्स ना हो तो आप बेसिकली अच्छा फेस वॉश यूज़ करें जो आई क्लियर हो। आई की वजह से काफ़ी चांस है कि आपको ब्लैकहेड्स शुरू हो जाते हैं, ऑयली स्किन की वजह से ब्लैकहेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सॉरी मेरा ज़रा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ ऐसे ही आएगी आपको। अच्छे से आपने मसाज करनी है जिधर जिधर आपको महसूस हो रहा है कि ब्लैकहेड्स बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ज़्यादा ब्लैकहेड्स है तो आप स्टीम भी ले सकते हो, भाप ले सकते हो, जैसे घर में भी पानी के साथ लोग लेते हैं भाप, वो भी आप लेके स्क्रब करके नोस्ट्रिप लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मुझे तो लगता है मेरे लिए इतना काफ़ी है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। हमने इसको रिमूव कर दिया और हम लेंगे नोस्ट्रिप। नोस्ट्रिप लगाने का अच्छा तरीका ये है कि आप नोस्ट्रिप को ले लें और जब नोज पे आपने जो भी किया उसको नीट कर लेना प्रॉपर। ये देख रहे हैं आई बिल्कुल मैंने क्लिंजिंग किया, बिल्कुल नीट हो गया। आपने नोस्ट्रिप को लेना, इसको ये साइड से ओपन करना, आपने इसके ऊपर शावर करना या इसको पानी लगाना कि जिसकी वजह से ये वेट हो जाए। इसको हमने वेट किया,
वेट करने के बाद आपने इसको अपने नोज़ पे लगा लेना। नोज़ पे लगा के आपने अच्छे से मसाज करनी है इसके, जब तक ये चिपक ना जाए आपकी स्किन के साथ। मसाज करने का ये फ़ायदा है कि ये नोज़ अच्छे से आपकी स्किन के साथ चिपक जाएगी, जब तक ये चिपके ना आपने मसाज करते रहना। कुछ लोगों के ब्लैकर्स होते हैं फोरहेड पे, चीक्स पे, तो वो पूछते हैं कि हम यही चीज़ इधर लगा सकते हैं या फोरहेड पे या चीक्स पे, तो ये आप उधर ना लगाएं, इधर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप ब्लैक मास्क यूज़ कर सकते हो या आप वैक्यूम हाइड्रा फेशियल आजकल चल रहे हैं। हाइड्रा फेशियल में वैक्यूम होता है जो नेचुरली स्टीम देने से आपके जो ब्लैकर्स है वो रिमूव कर सकता है। इसको हम ड्राई 10 मिनट में भी हो जाती है, 15 मिनट में भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी नोज़ लेते हो। आजकल काफ़ी नोज़ ब्रांड की आ गई है कि जो अपना ही चारकोल का सिंपल नोज़ ऐसे फ्लेवर टाइप मतलब के आ गए, तो उसमें यही है कि उनको टाइम दें जितना आप टाइम दे सकते हो। अभी जब मैंने लगाई, अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको लगाते, तो मैं आपको तब तक अपने फेशियल का बता दूं। ये मैरी बॉय का फेशियल, जिसको भी चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, उसको ये डिलीवरी होगी 50% ऑफ पे, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियोज़ को फुल देखेगा, मुझे लिंक सेंड करेगा या डाउनलोड करके भेजेगा, तो हमारी मैरी बॉय की भी कैरेटिन भी है और काफ़ी चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट हैं, मास्क है, क्रीमी मास्क है, और हमारी कैरेटिन है जिससे 4 से 5 मंथ हेयर स्ट्रेट रहते हैं। बॉयज़ क्रीम भी है, लेडीज़ क्रीम भी है, और हमारा लेडीज़ सलून सियालकोट कैंट में और बॉयज़ सलून भी सियालकोट कैंट में। आप विज़िट लाजम करें अगर आप चाहते हो कि हमारे हेयर अच्छे रहे, हमारा काम अच्छा हो, हमारा हेयर कट अच्छा हो, हमारा मेकअप अच्छा हो, ओवरऑल, तो आप पैराडाइज पे लाजमी विज़िट करें जी। दोस्तों तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं नोज़ स्ट्रिप लगाए, अभी मैं ये उतारूँगा नोज़ स्ट्रिप उतार के आपको दिखाता हूँ कि अभी नोज़ स्ट्रिप उतारने के बाद हमने क्या करना है कि दोबारा ब्लैक कर सोने के चांस बिल्कुल कम हो जाए। तो नोज़ स्ट्रिप उतारते हैं, नोज़ स्ट्रिप उतारिए, काफ़ी कुछ निकला है बाहर और ये ब्लैकर्स थे कुछ नॉर्मल थे, और आप शाइन चेक कर रहे हो कैसे शाइन आ गई है। तो अब ये हमारा काम कंप्लीट तो हो गया नोज़ स्ट्रिप लगाने तक, ये निकला है। अब ये जो मसाम ओपन है जैसे ब्लैकर्स निकले, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर हम मड मास्क लगा सकते हैं या आपके पास कोई भी मास्क है जैसे कि मैरी बॉय का पर्ल मास्क, ये भी आप लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आपने 5 से 10 मिनट से देना है कि ये जो मसाम है, जो ओपन है मसाम, ये बंद हो जाए, जिससे ये होगा कि आपके दोबारा ब्लैकर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये हमने लिया है मास्क, पर्ल मास्क, ये हम लगा लेंगे। ये लगा के हम 10 से 15 मिनट देंगे, 10 मिनट दे लें या 5 मिनट दे लें, जितना आपके पास टाइम है, ये लगा रहेगा और आपको दोबारा ब्लैकर्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप क्या क्या सीखना चाहते हो, एक्सटेंसो, कैरेटीन, फेशियल, हेयर कलर वगैरह जो भी है एटीसी, तो आप मुझे कमेंट्स लाजमी करें, तो मैं नेक्स्ट वो वीडियो अपलोड करूं जो आपको फ़ायदा दे। जितना मैं आपको फ़ायदा दे सकूं उतना मेरे लिए भी अच्छा है, तो आप लाजमी मुझे कमेंट किया करें, मेरी वीडियोस फुल देखा करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आपको मैरी बॉय की प्रोडक्ट की, फेशियल की है, मास्क की, कैरेटिन की, आयल की, तो आप लाजमी मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नीचे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी जाएँ,
और मुझे लाइक शेयर फॉलो करें। और आपके लिए मैं नेक्स्ट सॉन्ग भी बोलूँगा जब मेरा ये गला ठीक हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।